अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है क्योंकि अक्सर किसानों की डिमांड थी कि जो छोटे पिग फार्मर उन पर वीडियो बनाया जाए, तो जो कुछ किसानों के मतलब का ये बहुत अच्छा वीडियो है जो छोटे लेवल पर पिग फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो उसी का हम आज आए हुए हैं। सर पहले अपना नाम बता दीजिए और कितने। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रवेश कुमार है। और कितने पिक का आपका ये फार्म है? हमारा ये जो है 12 फीमेल का फार्म है और इसमें जो है एक मेल भी है हमारे पास, ये है 12 फीमेल। पहले आप सर का एक बार सेट दिखा दीजिएगा, जो मतलब अक्सर 10 फीमेल की जो मतलब पिक की डिमांड बहुत थी कि 10 पिक का जो फार्म है चाहते थे कैसे खोला जाए, तो एक बार चारों तरफ सेट दिखा दीजिएगा कितना बड़ा सेट चाहिए 10 पिक में शुरू करने के लिए। तो ये 10 पिक का सेट है और 10 पिक पर किसान काफ़ी किसान चाहते थे कि 10 पिक पर बनाया जाए, तो सर ये आपका जो इतना सेट बनाया कितने साइज में है, कितना इस पर खर्चा आया था? जी जो सेट है हमारा इसका 36 फुट की इसकी लंबाई है और 35 की चौड़ाई है। ये जो हमारा एक पोर्शन बना हुआ है ये 6 फुट की चौड़ाई है और 15 की लंबाई है। ये एक फीमेल के लिए है, मतलब 6 फुट और 15 फुट का, 6-15 का। और ये जो है ये बच्चे के लिए है, जैसे ये फीमेल बच्चे देंगी तो उसके बाद में सर्दी में इनके लिए व्यवस्था रहेगी कोने में, उधर कोने में, ताकि ना ठंडा ना लगे। अच्छा, तो ये 10 पिक पे जब आपने शुरू किया तो सेट पे कितना खर्चा आया, सेट का बताइएगा पूरा फार्म बनाने पे। हाँ, सेट पे आप यूँ मान लो इसका 2,40,000 के करीब हमारा खर्चा आया। इसमें हमारे पास टंकी भी है और इन्वर्टर भी है, ये फैन वैन है, सब टोटल पलवल सब टोटल मिला। अच्छा, उसके बाद फिर पिक कितने डाले इसमें आपने लेके? पिक डाल लीजिए, हमने इसमें 12 लाए थे। जी जी, वो अभी 150 रुपए किलो के हिसाब से लाए थे पटियाला से, पंजाब से। अच्छा, हाँ, नस्ल कौन सी है ये? नस्ल है लार्ज व्हाइट सर, यॉर्कशायर लार्ज व्हाइट। हाँ जी, अलग अलग वेट के थे टोटल इनका जो है 7.5 क्विंटल के करीब वजन था सबका 12 का। तो मतलब आपने शुरुआत इसकी अभी करी है? हाँ जी, अभी मान लो 13 जुलाई को हमने माल डाला था इसमें। तो टोटल इस पर टोटल खर्चा कितना आ गया, टोटल बताइएगा एक बार। टोटल खर्चा इनका आप यूँ मान के चलो जब से हमारे पास ऐसा आ गया कोई 85,000 के करीब इन पर आ गया खाने का। 2-2.5 लाख उधर हो गया साइड पे। हाँ, 2.5 उधर हो गया साइड पे, है ना। और जो हम इनको लाए थे हमें 150 के हिसाब से पड़ी 1500 यहाँ 1-35-1-40 के करीब ही आई, मतलब 4-4.5 लाख में 10 पिक का फार्म शुरू हो गया। जी, 12 पिक का। हाँ, 12 का। एक फिर हमारे पास बच्चा भी है दूसरे फार्म से लिया है ये, ताकि आगे नस्ल की लिया। हाँ, ये तैयार किया हमने, अब 13 हो गया हमारे पास। 13 हो गए। जी जी, तो अभी आगे का क्या टारगेट है, बड़ा करना है इसको या फिर इसी पे साइज? टारगेट कैसा है जी, अभी ये सारी प्रेग्नेंट हैं और जैसे जैसे ब्याहंगी इनके बच्चों को देखेंगे, अगर वो सेल हो गए तो ज्यादा अच्छा, अगर उन्हें फैटनर के लिए तैयार करना पड़ा तो अलग से हमें यहाँ पे खेत खाली है, यहाँ पे फार्म बनाना पड़ेगा। अभी आप जब इनको लाए थे 10-12 पिक जी, तो इनका वेट कितना लाए थे उनका? इनका वेट जी 7.5 क्विंटल के करीब था टोटल का सबका, मतलब 12 का। और छोटा ही बच्चा लाए थे? हाँ, छोटे ही थे। फिर आपने तैयार करा यहाँ पे? हाँ, तैयार करा। इसमें हमने स्टार्टिंग में रॉयल का जो है फीड वो खिलाया, तो 1-1.5 महीने तक तो रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद में जो है रिजल्ट बहुत खराब आ गया। उसमें जो है फफूंदी आ गई और वो नमी में पैक किया हुआ माल था, काला काला हो गया, तो जिससे इनके शरीर पर एलर्जी भी होगी बहुत ज़्यादा, उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ा हमें। एक इनका वेट नहीं बढ़ा उससे, एक इनको दस्त भी लग गए जानवर को, फिर हमने वो चेंज करा, फिलहाल हम जो है डी यूज का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब फीड का भी ध्यान रखना जरूरी है। फीड का बहुत। तो अभी आप कितनी प्रेग्नेंट, वो कितनी मादा लाए थे, कितने नर लाए थे उस टाइम? मादा हम 12 लाए थे, बाद में फिर एक नर लाए थे इधर है, तो 12 पे एक नर बहुत है। हाँ जी, बहुत है 12 पे, क्योंकि बारी बारी से सभी, क्योंकि एकदम तो आनी नहीं इट पे। अच्छा, तो अभी कोई आपके यहाँ पे डिलीवरी हुई? नहीं जी, अभी डिलीवरी नहीं हुई, मतलब सभी प्रेग्नेंट है? सभी सब प्रेग्नेंट है बस, है ना, अभी कोई डिलीवरी यहाँ पर नहीं हुई इनकी। तो आप इसमें कोई दिक्कत वगैरह जब आपने शुरू करा, कोई दिक्कत वगैरह इसमें आई? नहीं जी, कोई खास दिक्कत इसमें है नहीं, बहुत मतलब एक 10 से शुरू करना अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसके बाद बढ़ाते रहो उसको। हाँ जी, वो तो जो है आदमी का अपना। और कोई जानकारी जो आप पिग फार्म स्टडीज जानकारी शेयर करना चाहते हो किसानों? पिग फार्मिंग की तो यही है जी कि अच्छा बिजनेस है, जैसे हमारा क्षेत्र है इसमें बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसान छोटे हैं, जमीन बहुत कम है, इतनी गवर्नमेंट में जॉब है नहीं, ऊपर से हमारे यहाँ प्लांट भी नहीं है जिसे बेरोजगार को रोजगार मिल सके, तो अपने खेत में बहुत अच्छा काम है अपना भविष्य के लिए। देखो आपने फैन वैन भी लगाए, तो फैन लगाना जरूरी होता है इसमें? जी, वो ज्यादा गर्मी थी इसलिए लगा दिए, कोई ज्यादा है नहीं जरूरत वैसे, फिर चारों तरफ से खुला है लेकिन फिर भी हमने लगा दिए। अच्छा, अब जैसे उस पर सैड पड़ा है, तो ये गर्मी में तपता वगैरह भी होगा? नहीं जी, इसके ऊपर हम छप्पर डलवाओगे अभी। अच्छा, गर्मी में थोड़ा जो हल्का थोड़ा इस पर तपन थी, लेकिन उसे हिसाब से सर्दी में आ गए जो है फीमेल हमारी भी आएंगी, उन्हें ठंडा ना लगे, तो इसमें हम छप्पर डलवाओगे।
तो एक बार थोड़ा आप मोटा मोटा एक बार एक लाइन में बता दीजिएगा, कोई किसान भाई अगर 10 पीक से शुरू करे हाँ जी, तो वो कितना खर्चा उसका आ जाएगा और कितना बजट वो लेके चलना चाहिए उसके ऊपर? उसे कम से कम मेरे हिसाब से 5.5-6 लाख के हिसाब से बजट लेके चलना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 लाख के करीब तो इनका बनाने में आवेगा, और फिर हमें फीमेल भी लेने हैं। फीमेल अलग अलग हिसाब है, कोई फार्मर जो है प्रेगनेंट लेता है, लेकिन प्रेगनेंट की हम सलाह नहीं देंगे कि प्रेगनेंट लेनी नहीं चाहिए फीमेल, क्योंकि हम दूसरे फार्मर से लाते हैं, बीच में दुर्घटना हो जाए, बच्चे अच्छे फेंक दे, तो अपने यहीं पे ले आओ 70-75 किलो की ले आओ, और उसके बाद 1 महीने तक रखो, फिर इन्हें अपने यहीं पे प्रेगनेंट कराओ, ताकि इनका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से, छोटा बच्चा लाओ अपने यहाँ तैयार। हाँ जी जी जी, ये सबसे बढ़िया। आपने फार्म पे बता दिया जी, फैड बनाने में 2.5 लाख खर्चा, 1 लाख इन पे ब्रीडिंग लाने में, 10-12 पिक लाने में हो गया। हाँ हाँ, 10-12। उसके बाद फिर फीड कितने लाख का स्टॉक रखना पड़ेगा आगे? फीड का हमें 2 लाख का रखना चाहिए अपने पास, 2 लाख का हमें स्टॉक अपने पास रखना चाहिए, कि जैसे प्रेगनेंट होंगी और फिर बच्चे देंगी, बच्चे भी सेल हो जा, एक बच्चा जो है 3,000 रुपये का सेल हो जा, फार्मर है नए नए हमें ले लें, अगर वो नहीं कर पाए हम तो उसके बाद में हम इनको फैटनरी के लिए भी तैयार करना होगा, उसके लिए और बजट की जरूरत होगी। अच्छा, यानी टोटल किसान को चाहिए 7.5-8 लाख रुपए चाहिए। हाँ जी, 10 पीक पे। हाँ, क्योंकि इसमें ये भी है कि वो 1 साल तक फिर खाएगी भी, प्रेग्नेंट होगी, फिर उसके बाद खाएगी, बच्चे देगी, फिर बच्चे फैट तैयार होंगे, है ना? तो मतलब मेन फीड पे भी खर्चा होगा, फीड पे बहुत खर्चा है ना, 7-8 लाख रुपए। अगर किसी को 10 भाई को 10-12 पीक का शुरू करना है तो 7-8 लाख रुपए जरूरत है। तो किसान भाई, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।